नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर संभाग की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को दबाना ना भूले और देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। चित्री थाना अधिकारी अजय सिंह राव एवं भ्रष्टाचार निरोधक व अत्याचार निवारण संस्था संगठन सिंह वाहिनी नई दिल्ली के संस्थापक एम के पाठक, उदयपुर संभागीय महिला अध्यक्ष बसंती देवी वैष्णव एवं संयुक्त सचिव नरेंद्र जी का शॉल व पगड़ी पहना कर लक्ष्मण परमार व मनोज सामरिया ने स्वागत किया। इसके अलावा चित्री थाना अधिकारी अजय सिंह राव का प्रमोशन होने पर चित्री से विदाई दी गई। आम जनता में थाना अधिकारी अजय सिंह राव द्वारा हमेशा एक मिसाल कायम की जाती है। अजय सिंह राव ने जनता और पुलिस के बीच की खाई को अपनी ईमानदारी एवं नेक नियति से कम किया है, कानून का सही सदुपयोग किया है, आमजन को सहयोग प्रदान किया है एवं दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की है। इस अवसर पर दोनों महानुभावों का एकता समाचार ने भी स्वागत किया और कहा कि ऐसे ईमानदार जाबांज सिपाही की हर क्षेत्र में जरूरत है। इस अवसर पर जुई तलाई के नव निर्वाचित उप सरपंच गोपाल माली, दित्या कटारा, गोपाल भानु, दिनेश, मुस्लिम समाज के सदर रईस भाई, इरशाद खान, संगीता रोड, अम्बालाल ठाकर उपस्थित थे। मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वागत के तहत आज खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। अजय सिंह जी राव, इनके बारे में एक दो शब्द में बोलूंगा कि यहाँ पे चित्री थाना अधिकारी बन के जब ये आए तो मेरे को पूरा याद है कि इस गांव के अंदर इतना माहौल खराब था। यहाँ पे मैं शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, मगर इन्होंने आते ही साथ पाठक जी साहब के बारे में एक महिला जो कुएं के अंदर डूब गई थी उसको स्वयं ये वर्दी समेत कूदे और निकाला उसको। और दूसरी और एक बात, यहाँ पे मेरे को राजस्थान में पहली एक बात देखने को मिली। साहब ने एक लड़की जो थी उसकी शादी कर गई, माँ बाप का पूरा प्यार दिया उसको। वो गोन्ना कहते हैं, जैसे वागड़ी में बोलते हैं कि भाई गोन्ना करते, वो तकात इन्होंने किया। क्योंकि मेरे को पूरा याद है, इनके शब्द क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं एकता समाचार के माध्यम से इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि चित्री थाना अधिकारी बन के जब आए तो लोगों में बहुत अच्छी भावना थी, प्रेम था, और प्रेम के साथ साथ ये घर के इंसान है। कभी भी कोई भी काम पड़ता, छोटे से छोटे का फोन उठाकर ये उससे बात करते। ये अभी लड़की वाला एक कांड हो गया था, उसके अंदर भी 4 से 5 दिन तक सोए नहीं है। डिप्टी साहब के साथ साथ पूरा ढूंढा और ढूंढने के बाद अपनी सेवा दी। इसके लिए दो शब्द के लिए साहब इंटरव्यू के लिए आए हम एकता समाचार के माध्यम से। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ से जाने का जब आया तो? जब मैं आया था तब जैसा मुझे बताया गया था ऐसी परिस्थितियाँ थी, ऐसी परिस्थितियाँ कुछ हद तक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ समझा गया था। कुछ चीज़ें अव्यवस्थित होती हैं, उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, तो हम सब ने मिलकर उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल हुए। और पिछले 2.25 साल के बीच जो मैंने सेवा दी है, तो मैंने जो पुलिस के प्रति लोगों का जो प्रेम और सहयोग देखा है, वैसा सहयोग प्रेम मुझे और कहीं नहीं मिला है और काबिले तारीफ़ है। और यहाँ के लोग पुलिस को समझने लगे हैं और पुलिस की जो कार्यप्रणाली को उसको भी समझ रहे हैं। अब कानून का भी जो उनको ज्ञान होने लगा है और कानून का पालन भी करने लगे हैं। और मुझे यहाँ का बताया हुआ समय जीवन भर याद रहेगा मेरे लिए, मतलब अविस्मरणीय पल रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जब भी अभी कोई कार्यक्रम किया है तो मैं उपस्थित होने की कोशिश की, और मैंने कोई कार्यक्रम किया है तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, चाहे वो कई
क्राइम मीटिंग सीएलजी मीटिंग रखी हो, जजेस मित्र मीटिंग रखी हो, चाहे किसी प्रकार की मीटिंग रही हो, तो उसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं और हमने जो चीज़ें उनको कहा बताइए उन चीज़ों को फॉलो भी किया है और हमारा सहयोग भी किया है और लोगों से भी क्राइम की संबंधित सूचना आने लगी और उस पर हमने तुरंत एक्शन लेके किया है। तो कहीं ना कहीं जो बेहतर काम हुए हैं वो पब्लिक की वजह से हुए हैं। तो मुझे या जाते हुए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन ये एक निरंतर प्रक्रिया है, तो उसमें जाना ही होता है और चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। फिर भी आप लोगों का प्रेम ही था कि मेरा दो बार ट्रांसफ़र हुआ और आप लोगों ने मुझे दो बार ट्रांसफ़र रुकवा कर और वापस यहाँ किया, तो कहीं ना कहीं इस लोगों का आप लोगों का मेरे से जुड़ाव था और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ही पुलिस के प्रति आपका प्रेम बना रहे, क्योंकि पुलिस आपकी है, आपकी अपनी है, पुलिस समुदाय के बीच में से निकली है, पुलिस कोई स्पेशल नहीं है। तो आपके यही भाव अगर पुलिस के प्रति रहे तो पुलिस को अल्टीमेटली पुलिस का जो लेवल है वो बहुत ऊपर आएगा, क्योंकि पुलिस जनता का हिस्सा है और जनता ही पुलिस के आपका नाक है। जब तक पुलिस के प्रति जनता का और पुलिस का जुड़ाव नहीं होगा तो जो परिणाम बेहतर आने से वो परिणाम नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा जुड़ाव मैंने यहाँ देखा है पटक साहब, और आगे भी इस तरह का जुड़ाव देखने की मैं आशा करता हूँ। और आप लोगों ने जो प्रेम दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये सम्मान, ये जो अजय सिंह का सम्मान नहीं हो रहा, किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा, इस वर्दी का हो रहा, रफ्तान पुलिस का हो रहा है और कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का भी हो रहा है, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने मेरे को लायक बनाया है और जनता ने समझा और जनता ने मुझे मोटिवेट किया है और उस मोटिवेशन की वजह से ही आज जो कुछ मुकाम हासिल किया है वो पूरा पूरा श्रेय जनता को जाता है। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छी बात बताई हमारे थानेदार साहब ने, जो बनकर सीआई साहब बने हैं। ग्राम चित्री में आज एक भव्य स्वागत वाला कार्यक्रम हुआ। हमारे थानेदार साहब अजय सिंह जी राव, जिनका प्रमोशन हुआ है, और उनके साथ साथ हमारे पाठक साहब जो उदयपुर से अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पे पधारे, भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार निवारक पूरी टीम, ये पूरी टीम है आपके सामने। एकता समाचार का माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बसंती जी है हमारे महिला अध्यक्ष राजस्थान उदयपुर से, यह संगीता जी है जो हमारे बागर क्षेत्र के महिला, और साथ में आपके मनोज जी जो यहाँ के समाज सेवी है, भमाशाह है बहुत बड़े, उनके साथ हमारे इशाद भाई, दूसरे इस कार्यक्रम की वीर रचना बनाने वाले लक्ष्मण जी बुनकर, और इनके साथ है ठाकर साहब और चंद्रशेखर जी। एकता समाचार के माध्यम से पाठक साहब, पहले तो आपका एकता समाचार में स्वागत है, स्वागत के तहत धन्यवाद साहब आपका, आपके आपने ये मौका दिया है, जानकारी बताइए। ये यहाँ पर देखिए, मैं महेंद्र कुमार पाठक, वरिष्ठ संस्थापक भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार निवारण सीए वाहिनी दिल्ली 06। ये हमने काफी सोच समझ करके ये देखा कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, कई तरह की प्रॉब्लम जनता को आ रही है, तो क्यों नहीं एक संगठन बनाया जाए और सरकार की जो नीति आज तक रही है जिसको लोगों ने नहीं पहचाना, तो उस संगठन के लिए हमने इसको पहचाना है। और हमने कहा कि भाई सरकार किसी भी अधिकारी को नियुक्त करती है, गजेटेड अफसर हो चाहे नॉन गजेटेड हो, लेकिन उसके सामने भी ये है कि कुर्सी पे कुर्सी लगी हुई आगे नजर आती है, उन कुर्सी का अधिकार जनता को पता ही नहीं पड़ रहा था कि कैसे किया जाता है। जी जी, आज हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, वह गिड़गिड़ाते हैं, वो अधिकारी आपसे अपने पद का दुरुपयोग करता है, बदतमीजी करता है, आपकी मांग आगे सरकार को नहीं पहुंचाता है। हमने इस संगठन के माध्यम से संगठन का जनता के बीच में रहेंगे, जनता के सेवक है और जनता की सेवा करेंगे। आज जो भी स्थिति परिस्थितियां हैं वो देश की कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हमारे लोगों के अंदर जो हमारे अच्छे अच्छे जो कार्यकर्ता है उनको हम धीरे धीरे प्रमोशन दे रहे हैं। भाई लक्ष्मण जी जो हमारे राजस्थान स्तर के जो प्रदेशाध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष है, तो उनको भी जब हमने शुरू शुरू में लिया तब उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे यहाँ एक कार्यकारिणी का गठन हुआ, इस गांव के अंदर काफी अच्छा माहौल बना और आज की तारीख में यह थानदार जी जो है अपने उनका भी अपने सम्मान अभी जो किया, तो इसके लिए क्योंकि एक अच्छे आदमी का सम्मान हो, यानी कि सम्मान इसलिए कि पुलिस की छवि लोगों में खराब थी, लेकिन हर पुलिस वाला एक सरीका नहीं होता है, कई तरह के पुलिस वाले हैं। आज जो थानदार जी की लोगों ने वाहवाही की, यहाँ में उदयपुर तक इनकी आवाज़ आती थी कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं,
तो इनको काफी अच्छे आदमी है और इनका अभी नया नया यानी कि टेन्यूअर ये समझ लीजिए अभी तो अभी ज्यादा लंबी सर्विस भी नहीं है, लेकिन अभी से ये लोगों को इतना अच्छे कार्य करने के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने पुलिस अधिकारी हैं जो अच्छा कार्य करते हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, और जो पुलिस अधिकारी है या कोई भी अधिकारी कर्मचारी है जो भ्रष्टाचार करते हैं हम उनको बेनकाब करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आपको सभी तरह के हमारे इस संगठन में अधिकार प्राप्त है, जितने ज्यादा हम हो उतने जुड़िएगा। हर पंचायत स्तर के ऊपर आप अपना कार्य करवाइए, हर पंचायत स्तर पर अपने को इतना अधिकार है कि आज कोई भी किसी भी तरह का निर्माण हो रहा हो, किसी तरह का कोई घटिया निर्माण हो रहा हो, उसकी पैरेलल जांच करने का अधिकार अपने को है। आज की तारीख में एक गवर्नमेंट सर्वेंट ये कहता है कि साहब राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न की है, हमारे एक मेंबर तक को भी कोई अधिकारी अगर बदतमीजी से बोलता है या किसी तरह का कार्य नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम सेंट्रल से वहां तक उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास में हमने वकीलों की सुविधा दी है, आज जो वकीलों को यानी कि लोग बाग हायर करने में घबराते हैं, हमने इस संगठन के माध्यम से ये किया है कि भाई किसी की कोई समस्या है काम करना चाहिए, वो आज हम ये अधिकार इस संगठन के माध्यम से देते हैं। सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, आज ये संगठन ऐसा है कि अभी हमने 7 स्टेट के अंदर घूम चुके हैं और हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्रा है, बॉम्बे है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो हम लोगों ने काफी इसको धीरे धीरे विस्तृत करते जा रहे हैं और लोगों को यही समझा रहे हैं कि भाई आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों को ना छोड़ें। आपको सरकार इतना पैसा देती है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ये आपका आदिवासी बेल्ट है। मैं डायरेक्टर से मिल के आया था डॉक्टर ललित लट्टा से, तो जो जनजाति के डायरेक्टर है पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि साहब आदिवासियों के लिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी तरह की कुछ भी है, कोई कितना ही बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का हो, फॉरेन सर्विसेज का हो, तो उनके खिलाफ भी देखिए हम कैसे गड़गड़ाते हैं उनको। वो गलत करेंगे तो गलत काम को करने वाले को हमारे यहाँ बक्सा नहीं जाएगा। हम जितना है कि इसी चीज को लेकर के आज हम सभी अधिकारियों को ये आगाह कर दीजिएगा कि सब अब जनता जाग रही है और ये जागरण ये इस गाँव से आपका जितना ज्यादा फैलेगा लोग इस डूंगरपुर जिले में आपको याद रखेंगे, आने वाली पीढ़ी आपकी वो आपको याद रखेगी, इसलिए संगठन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।